हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सैफ तेजस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चीज़ गार्लिक एग। सो चीज़ गार्लिक एग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए। पैन गर्म होने के बाद हम डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल। और क्या डालेंगे फ्रेंड्स, जो आजकल फेसबुक पे यूट्यूब पे सब जगह छाया हुआ है, एक ब्लॉक बटर। नहीं, सिर्फ एक टेबलस्पून बटर डालेंगे। हार्ट अटैक नहीं लाना है हमको। ऑयल और बटर दोनों साथ में डालने का रीज़न है कि ऑयल आपके बटर को जलने नहीं देगा, वो जल्दी से ब्राउन नहीं होगा। तो आप अच्छे से उसको मेल्ट कर सकते हो और उसमें वेजिटेबल टॉस कर सकते हो। ऑयल बटर को हम अच्छे से पूरे पैन में स्प्रेड करेंगे और एक चॉप्ड ऑनियन डालेंगे, फाइन चॉप ऑनियन डालेंगे उसमें। ऑनियन को अच्छे से ऑयल बटर में आप टोस्ट कर लीजिए, लाइट पिंक या ट्रांसपेरेंट होने तक आप उसको कुक करेंगे। सो रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट ग्रीन गार्लिक एंड कोरिएंडर एकदम फाइन चॉप करके ऑनियन के साथ हम ऑयल बटर में टोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा गार्लिक और ऑनियन अच्छे से कुक हो गया है। अभी हम डालेंगे इसमें मसाले। 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। अभी सारे मसाले डालने के बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और उनका फ्लेवर इंक्रीज हो जाए। सो अभी टाइम है पानी ऐड करने का। मैं अभी 1/2 कप पानी ऐड कर रहा हूँ इसमें। अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो आप कम पानी डालो, अगर आपको लिक्विडी ग्रेवी चाहिए तो आप 1 कप पानी ऐड कर सकते हो। और 2 मिनट के लिए आप कुक करेंगे ग्रेवी को। अभी हमारा ग्रेवी अच्छे से कुक हो गया है तो हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। आपको ब्लैक पेपर डालना है तो ब्लैक पेपर से भी आप सीजनिंग कर सकते हो अपने ग्रेवी को। तो फ्रेंड्स, हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हमारा सेकंड की इंग्रेडिएंट है चीज़। आपको 1 क्यूब ऑफ प्रोसेस चीज़ यूज़ करना है। चीज़ डालने के बाद हम ग्रेवी को 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारे ग्रेवी के साथ एक बाइंडिंग अच्छा सा बन जाए। सो फ्रेंड्स, आपका चीज़ गार्लिक ग्रेवी रेडी है। आप इसमें बॉइल्ड एग डाल के भी कुक करके खा सकते हो या फिर आप हाफ फ्राई बना के इसके ऊपर ये ग्रेवी डाल के भी खा सकते हो। ये ग्रेवी बेसिक ग्रेवी है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हेल्प अस टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। हमने हाफ वे डन कर लिया है। आपकी हेल्प से हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली बन जाएंगे। सो अभी ये रेसिपी का सेकंड पार्ट है, एग हाफ फ्राई। सो एग हाफ फ्राई बनाने के लिए हम एक तवे में ऑयल डालेंगे। और क्या डालेंगे फ्रेंड्स, यस, जो फेसबुक और यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में है, बटर।
सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, ऑयल और बटर साथ में क्यों डालते हैं, उसका रीज़न क्या है, अगर आप वीडियो स्पीक करके आए हैं तो आप आगे जाके वो ज़रूर देखें कि रीज़न क्या है ऑयल और बटर साथ में डालने का। तो अभी हम एक एग लेंगे, उसको अच्छे से क्रैक करके तवे के बीचों बीच हम उसको ड्रॉप करेंगे और उसको हम स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। सो हाफ फ्राई अच्छे से कुक हो रहा है, अभी हम इसमें कोरिएंडर पाउडर सीजनिंग करेंगे और रेड चिली पाउडर थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। ग्रीन गार्लिक एंड कोरिएंडर चॉप करके हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे हाफ फ्राई पे। सो हमारा एग हाफ फ्राई अच्छे से रेडी हो गया है, अभी हम इसको एक प्लेट में साइड पे निकाल देंगे। और आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, सब लोग पहले हाफ फ्राई बना के एक प्लेट में रख देते हैं। मेरा सबसे पहले ग्रेवी बनाने का कारण है कि अगर आप पहले हाफ फ्राई बनाओगे तो वो एग योक जो येलो पार्ट है वो स्टिफ हो जाएगा। जो येलो पार्ट में जो एग योक में रनी रेस रहनी चाहिए, जो सॉफ्ट लिक्विड जैसा रहना चाहिए, वो उसमें लिक्विड नहीं रहेगा। सो अभी हम थोड़ा सा ग्रेवी को वार्म करके हमारे हाफ फ्राई पे डालेंगे। पूरे हाफ फ्राई को हम अच्छे से कवर करेंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई करिए। और हाँ, आपको ये रेसिपी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। थैंक यू।